अगर बात करें सर हमारे सियासतदानों की, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो मानते हैं कि इस वर्ड से नाम शुरू होगा, इस लफ्ज़ से शुरू होगा तो कामयाबी आएगी, सदके भी दिए जाते हैं और तमाम तरीके से जो है चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाती है। वर्ड आइन जो लफ्ज़ है उसकी बड़ी वैल्यू है। कहा यह भी गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो एक्स वज़ीर आज़म है, फॉर्मर वज़ीर आज़म, उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला इसीलिए बनाया क्योंकि आइन से नाम शुरू होता था। और फिर अगर हम बात करें इमरान इस्माइल की, तो आइन की वजह से ही उनको जो है बनाया गया। क्या आइन है पाकिस्तानी सियासत में इम्पॉर्टेंट या नहीं? ये ऐसे आर्थोडॉक्स बने हुए हैं, ऐसे धक्यानुसी ख्याल के मालिक हैं। अब पहले हम उसको ले लेते हैं जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, क्या किया? सत्यानाश किया, उसने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की, सिर्फ एक अपने उस एरिए तक रहा वो तौंसा के, उससे बाहर निकला ही नहीं। वो लाहौर जो कैपिटल है जहाँ पे ये सारे खाते पीते रहते पढ़ते सब कुछ करते हैं, उसका सत्यानाश कर दिया तो क्या आइन का फ़ायदा हुआ? मुल्क तबाह हुआ, उसने सूबा तबाह कर दिया। इसी ना सदर अलवी वो भी आयन से है, उन्होंने जितनी आयन की धचियाँ उखाड़ी। सदर इस तरह करते हैं जो वो करते हैं, वो मुबशर लुकमान साहब सही कहते हैं, वो दांतों का कीड़ा निकाल सकते हैं, अपना कीड़ा नहीं निकाल सकते दिमाग का। तो उन्होंने भी आयन से धचियाँ उखाड़ी। इमरान इस्माइल जो आप कह रहे हैं वो क्या सवाए तकरीरों करने के उन्होंने क्या काम किया मुझे बताया? इमरान मुल्क को इतना उठा सकते थे, इतना उठा सकते थे जितनी उनमें एनर्जी, जितनी उनमें कैपेसिटी, जितनी उनमें थी, जितना उनका नाम था, बट क्या किया उसको इस ऑर्थोडॉक्स का कामों में डाल के, जो आप किससे सुनते आ रहे हैं जो आते हैं तो उस पर डाल के इमरान के 4 साल कीमती मुल्क को बनाने के ज़ाया कर दिए और बाद में लड़ाइयाँ करवा दी।